वेलकम टू थियाचार कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक पिका कार्ड रीडिंग। आज का सेम टॉपिक पे है कि आपका पर्सन का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो मैं हर वीक आपके लिए अपलोड करती हूँ। तो आज का विषय है सेम थिंग कि आप जिन पर्सन के बारे में इतना डीपली सोच रहे हो, इतना अच्छा से सोच रहे हो कि क्या किया जाए, इसका हल क्या है इस रिलेशनशिप का, वही आज का टॉपिक है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ पाइल वन, पाइल टू एंड पाइल थ्री। पाइल वन ये चैरिटी कार्ड के साथ, पाइल टू फेथ, पाइल थ्री इसेस। तो ये तीन कार्ड है, आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए यहां से अच्छा से दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। आप जिनके बारे में पूछना चाहते हो, जिनके बारे में आपका कन्फ्यूजन है कि आपका पर्सन का करंट फीलिंग एक्चुअली फिलहाल है क्या, तो इनके लिए इनका जो तस्वीर है मन ही मन थोड़ा कल्पना कीजिए और आँख खोल के देखिए कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा पुल करे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। दिस इज योर पाइल, पाइल वन विथ चैरिटी, पाइल टू विथ फेथ एंड पाइल थ्री विथ एसेस। तो इसके साथ हम लोग आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेट स्टार्ट। पाइल वन मतलब जिन लोगों ने ये चैरिटी कार्ड पसंद किए थे उनके लिए आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहा है, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। देखते हैं क्या है करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन एंड उसके बाद साईं बाबा की मैसेज आपके लिए क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए, वो मैं बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइल वन। पाइल वन फर्स्ट कार्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, काफी हेवी एनर्जी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नो कॉन्टैक्ट, अदरवाइज कॉन्टैक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है दोनों में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉर्ड्स, ओहो, किंग ऑफ वॉर्ड्स। नेक्स्ट द टावर कार्ड, द टावर कार्ड, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड एट ऑफ वॉर्ड्स। ये है आपका कार्ड, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग का जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो फायर साइन। दैट मीन्स आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, इसके अंदर आप और आपका जो पर्सन है वो होंगे। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपका पर्सन और आपका अभी की फिलहाल क्या चल रहा है, आपका पर्सन का करंट फीलिंग ही आपके लिए क्या है। देखिए ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, सिंपली आप एंड आपका पर्सन दोनों ही एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स काफी स्टैग्नेंट एनर्जी में है, दुखी है। नॉट ओनली स्टैग्नेंट एनर्जी, दुखी भी है, ठीक है। जिद्दी तो है मगर इसके साथ दुख भी है आपके पर्सन का हर चीज में। हो सकता है आप दोनों में ऐसा कुछ आर्गुमेंट हो गया, ऐसा कुछ बात, पुरानी बात सामने आ गई, ऐसा भी हो सकता है पुराना कोई बात जो चीज सामने आ गया है जो आपके पर्सन को बहुत हर्ट किया है, हाँ, या आपको बहुत तकलीफ देता है वो पुराना जो ऊंड है, जो हर कोई ना कोई दर्द होता है वो पुरानी बात आपके पर्सन को लेके, वो चीज सामने आया। आप भी दुखी, वो भी दुखी, बहुत दुखी, एक स्टैग्नेंट एनर्जी लग रहा है अभी फिलहाल मुझे लग रहा है, बात नहीं हो रहा है, वो एक दो दिन के लिए भी हो सकता है मगर फिलहाल का एनर्जी स्टैग्नेंट है, बात नहीं हो रहा है, ऐसा एक एनर्जी में आप और आपका पर्सन दोनों ही है, दुखी है। आपका पर्सन को शायद रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रहा है क्योंकि पुराना कोई घाव में जैसे कोई नमक छिड़क दिया, ऐसा एक जगह में आपके पर्सन है और आपके लिए तो बहुत ही बंधा हुआ एक एनर्जी देख रही हूँ। ये दर्द आपके अंदर था जो कहीं ना कहीं कोई बात चल रहा था इसमें आपके सामने आ गया, ऐसा एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपका पर्सन एंड आपकी तरफ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है, आपका पर्सन सोच रहा है, आप
आपके पर्सन को आपके बारे में अच्छा ही सोचा है, कोई खराब सोच नहीं है। आप सच बोलते हो, आप अच्छा पोजीशन में हो, सब आपके पर्सन मानता है। मगर आपका पर्सन का और एक चीज है, आपको थोड़ा स्टबर्न मांग रहा है, बहुत जिद्दी, पुराने चीज उठा उठा के मुझे परेशान करना। एंड आप माइंडफुली चलते हो, उनको लग रहा है आप माइंडफुली चलते हो, आप इंटेंशनली उनको हार्म करने का कोशिश करते हो। ये एक एनर्जी आपके पर्सन का स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। आपकी तरफ ये एनर्जी है उनका, कि आप थोड़ा सा इंटेंशनली उनको तकलीफ दे रहे हो। पुराने बात जो उनके हाथ पे है ही नहीं, वो चीज छोड़ के आया है, उस चीज को लेके आप तकलीफ दे रहे हो। ये एनर्जी आपका पर्सन आपके बारे में स्ट्रांगली सोच रहा है। एंड क्योंकि सोच रहा है, उनके दिमाग में भी किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी है। थोड़ा सा बुद्धि करके चलना, थोड़ा सा कानिंगलेस, ये थोड़ा आपके पर्सन के दिमाग में मुझे दिख रहा है। प्यार है, सोच रहा है, मगर थोड़ा सा शातिर दिमाग में भी सोच रहा है, ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलने देंगे, बुद्धि करके आना है। ऐसा एक एनर्जी आपके पर्सन के दिमाग में मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा जिद्दी पे खड़े हो। एंड वो सोच रहा है कि नहीं, वो जिद्दी आपको भी लग रहा है कि ये पुराना घाव है, तुमने मुझे ये घाव से भरा दिया, तो ये घाव तो तुम्हें सामना करना ही है। ये एक एनर्जी में आप भी बात कर रहे हो। एंड वो भी सोच रहा है कि नहीं, इससे कैसे निकालना है, ऐसा चलेगा तो नहीं चलेगा, ये सब दिमाग में इनका घूम रहा है, तभी जाके ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे पिकअप जो हो रहा है, यही एनर्जी पिकअप हो रहा है। एनी हाउ, मुझे एक चीज का अच्छा लग रहा है, द टावर कार्ड, जो ये जो साइकिल है ये खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड द टावर कार्ड मतलब न्यू साइकिल स्टार्टिंग। आप लोग सब भूल, देखो जिद्दी करके कोई फायदा नहीं है, पुराने चीज ले लेके आके तकलीफ ही होगा, नया कुछ नहीं होने वाला। तो पुराने चीज को आप बाहर फेंको, पुराने चीज को बाहर फेंके, अभी क्या हो रहा है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दो। अगर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मुझे दिख रहा है ये जो ब्लॉकेजेस, इसको ब्लॉकेजेस बोलता है, खोद खोद के पुराने चीज निकाल के लेके आना, पुराने चीज को नहीं भूलना। मेरे पास जो हीलिंग की बात, काउंसिलिंग सेशन, हीलिंग काउंसिलिंग में आते, मैं फर्स्ट चीज बोलती हूँ, पास्ट इज पास्ट, पास्ट लेके पड़े रहोगे मर जाओगे, सब चीज दुख ही देगा। हम लोग जब पास्ट को निकालते हैं ना, सुख की बात है हम लोगों को दिमाग में नहीं आता है, सिर्फ दुख की बात हम लोग खींच खींच के, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज अवर ब्लॉकेजेस। ठीक है, बहुत बैलेंस होने के बाद ही इंसान अच्छा सोचता है, नहीं तो खोद खोद के पुराने चीज निकाल के आ जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, तुमने मेरे साथ कितना अच्छा टाइम बिताया, वो दिमाग में फटाक से नहीं आता, क्या क्या खराब हुआ है वही दिमाग में बहुत आता है। तो इस जगह में आप ये ब्लॉकेज क्लियर करके हीलिंग कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे नहीं बोलूंगी, हीलिंग कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ये सब में अगर आप पॉजिटिव, काउंसिलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस यहाँ पे, हीलिंग एंड काउंसिलिंग, ये सब करके ना नेगेटिविटी को दूर हटाइए, रिलेशनशिप सुंदर हो जाएगा। प्यार तो दोनों को ही दोनों की तरफ बहुत है। द टावर कार्ड आया है, न्यू साइकिल स्टार्टिंग होगा एंड अ बैलेंस आ जाएगा रिलेशनशिप में, टेम्परेंस, ठीक है, रिलेशनशिप में एंजेलिक वे में गाइडेंस होके आपके जो रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये कार्ड, जो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ही अबंडेंस है, आप मॉनिटरी अबंडेंट हो, आप प्यार में अबंडेंट हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ही एडमायरेबल हो, ऐसा मानते हैं आपका पर्सन आपको। स्टाक एनर्जी है, इट्स ट्रू, स्टाक एनर्जी है, मगर वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी से आप बाहर लेके आइए, नहीं तो आपके लिए दिमाग में हुई है, ये बहुत ही फाइनेंशियल अबंडेंट है, हेल्पफुल है, प्यार करते हैं, प्यार देना जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर आपको मानते हैं आपकी पर्सन। द मैजिशियन, ये जो एनर्जी चल रहा है ना, मैंने बोला ना टावर कार्ड, टावर कार्ड अगर ठीक से, मतलब टावर मोमेंट अगर जो क्रॉस हो जाएगा, इसके बाद मैजिशियन की तरह ये काम करेगा। हाँ, ये अचानक डिसीशन, देखिए मैजिशियन कार्ड का अगर आप अच्छा से पिक्टोरियल वैल्यू देखेंगे, जो टैरो रीडिंग में आते हैं उन लोगों को मैं पिक्टोरियल वैल्यू देखने के लिए बार बार बोलती हूँ। कैसे, देखो एक पर्सन जो यहाँ पे एबेंडेंस लेके खड़े है, राइट, एंड सामने देखो चार ही ऑप्शन है, पेंटिकल्स,
कप्स वांड्स एंड सॉर्ड्स, मतलब ये अचानक डिसीजन लेने वाला इंसान है, कभी भी मैजिशियन, कभी भी डिसीजन लेके आगे आ जाएगा ये। एंड हर तरफ अबेंडेंस है, यहाँ प्यार का क्वेश्चन इज प्यार, तो यहाँ पे कप्स होगा, ऐसा प्यार। हाँ, क्योंकि पास का कार्ड देखिए, जैसे वो भी आपको ऐसा प्यार में अबेंडेंस, ऐसा एक लेडी समझते हैं, लेडी हो कुछ भी हो, एक दूसरे को, मैं मतलब जेंडर वाइज बोल रही हूँ, एक दूसरे को ऐसा समझना, ठीक है, ये एक एनर्जी में आपके पर्सन है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नेगेटिविटी हटाइए। एट ऑफ वांड्स, हाँ, आपका जो सोच है, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो गोल है, आप जो चाहते हो एक्चुअली बाय हार्ट, वो प्रॉपर गोल में बिल्कुल आ जाएगा। एंड आपका पर्सन भी वो ही सोच रहा है, तो ये है आपके पर्सन का करंट एनर्जी आपकी तरफ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड ये पाइल वन का रीडिंग में बार बार बोलूंगी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिए, पुराने चीज को हटाइए, ब्लॉकेज क्लियर कीजिए, ब्लॉकेज इन द सेंस नेगेटिव चीज सोचना, पुराने चीज सोचना, ये ब्लॉकेज क्लियर कीजिए, राइट। तो ये है पाइल वन का रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है मेरे साथ, रेकी हीलिंग चाहिए, काउंसिलिंग चाहिए, टैरो रीडिंग कोर्स चाहिए, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, देन प्लीज कॉन्टेक्ट विथ मी। नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज व्हाट्सअप कीजिए फर्स्ट, जरूरत पड़े तो कॉल करना, मैं बोल दूंगी तब कॉल करना, नहीं तो मुझे सेशन लेने में बहुत तकलीफ हो जाता है। होप आप लोग मेरे भी अच्छा चाहते हो, जो लोग इतना तकलीफ हो करके आते हैं, आप लोग भी तकलीफ में हो, आपको भी मालूम है, जो काउंसिलिंग सेशन में बैठे हैं वो भी बहुत आस लेके, बहुत ही एक डिटर्मिनेशन के साथ बैठे हैं, राइट। तो इसमें डिस्टर्ब मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं जरूर आंसर करूंगी, फ्री होके आंसर करती हूँ, इतने बार कॉल मत कीजिए, आई एम जस्ट ऑलवेज रिक्वेस्टिंग यू। कोई टाइम नहीं है, रात को 11 बजे भी कॉल करते हो, 12 बजे भी कॉल करते हो, मैं तो 11 बजे की बाद मैं फ्लाइट मोड में दे देती हूँ, क्योंकि मेरा हीलिंग की टाइम स्टार्ट हो जाता है। एनी हाउ, दोपहर में कभी भी कॉल करते रहते हो, प्लीज डोंट डू दिस थिंग। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, आप लोग मेरे सिचुएशन को समझे, और मेरे कमेंट करने तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट के जरिए एक दूसरे के साथ हम लोग अटैच रहते हैं, आपको क्या चाहिए वो भी पता चलता है, कि कौन सा एनर्जी का मुझे रीडिंग चाहिए। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, तो न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू। साईं बाबा का जो मैसेज है आपकी तरफ वो क्या है? साई बाबा का मैसेज आपकी तरफ है पाइल वन के लिए, आपका सफर सफर जो है अनोखा है, किसी अर्ज और से स्वयं की तुलना मत कीजिए, डोंट कंपेयर कि हाँ मेरा वो फ्रेंड का तो बॉयफ्रेंड ऐसा करता है, गर्लफ्रेंड ऐसा करता है, मेरा गर्लफ्रेंड क्यों ऐसा है, मेरे बॉयफ्रेंड क्यों ऐसा है। देखिए, आपका सफर अलग है, उनका सफर अलग है, हर एक का सफर यूनिक होता है, तो इस जगह से बाहर निकाल के खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद की जो लव रिलेशनशिप है, खुद का जो सफर है, हर एक 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 जर्नी में है, इस जगह में आप उसके तरफ कंसंट्रेट कीजिए, आपका सफर भी अनोखा है, एकदम सुंदर हो जाएगा, तो आपके सफर के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। साईं बाबा की भी आपके लिए यही मैसेज है, आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से संग का तुलना मत कीजिए। ओके, थैंक। पाइल टू मतलब जिन लोगों ने ये फेथ कार्ड पसंद किए थे उन लोगों के लिए आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके बारे में क्या सोच रहा है, और लास्ट में साईं बाबा का रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो पाइल टू में मैं देख रही हूँ थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ वंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, सुपर्ब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी है सिंपली ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एनर्जी में आप दोनों हो। पाइल टू जिन लोगों ने पसंद किए हो वो लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एनर्जी में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, आप लोग हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो आप लोग अर्थ साइन, दैट मींस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस
एंड कैंसर स्कॉर्पियो पीसीएस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इसके अंदर आप और आपके पर्सन जो है वो होंगे। ठीक है, तो पाइल टू का जो रीडिंग मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, हो सकता है आप मैरिड हो, वो मैरिड है, बोथ मैरिड है, ये एक एनर्जी है। एंड टू इन्फ्लेम ट्विन सोल रिलेशनशिप में आप दोनों हो। ठीक है, एंड ये जो एनर्जी मुझे दिख रहा है काफ़ी एक कंफ्यूजिंग एनर्जी, आपका पर्सन आपसे उम्र में छोटा होगा, ये एनर्जी है, वो ऑलवेज डे ड्रीम देखते हैं आपको लेके, मगर स्टार्कनेस है। मगर यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल एवकेनिंग की रास्ता तैयार कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी अभी कार्मिक बॉन्ड कट नहीं किया, हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन भी कट नहीं किया, डिवाइन मैस्कुलाइन भी कट नहीं किया, इसीलिए अभी भी थोड़ा सा स्टार्क एनर्जी मुझे दिख रहा है। डिवाइन फेमिनाइन एज यूजुअल थ्री ऑफ सॉर्ट्स, मैंने बोला ना कि आप दोनों में दोनों मैरिड हो सकते हो, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकते हो, ये एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्टी है एंड मुझे इंट्यूटिवली लगा ये मैरिड एनर्जी है। ठीक है, मैरिड नहीं भी हो सकता है, कमिटमेंट है, मगर ये मैरिड एनर्जी मुझे लगा। द क्वीन ऑफ कप्स सैडनेस तो है ही, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के लिए। एंड वो जानते हैं आपको डिवाइन फेमिनाइन का जो एकदम नेचर होता है, एकदम बहुत इम्पैथ, प्यार करने वाला डिवाइन मैस्कुलाइन को, हर तरफ उनके लिए कितना भी गुस्सा है फिर नरम हो जाना, हाँ कितना भी हाँ बहुत खराब किया है मेरे साथ फिर एकदम सॉफ्ट हो जाना, फिर उस जगह में लो हो जाना, नहीं वो मुझे प्यार नहीं करता, सच में वो थर्ड पार्टी को ही प्यार करते हैं, ये डिवाइन फेमिनाइन का जो पूरा बैलेंस होने से पहले जो एनर्जी है वो एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड वो भी जानता है ये जगह, वो जानते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन जानते ही है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो। ये जगह में डिवाइन मैस्कुलाइन इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये बहुत प्यार करता है, आप इतना एनर्जी देते हो, वो भागने का कोशिश में ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, मगर यहाँ पे काफी बैलेंस एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये जगह जो है ये कवर करके आ जाएंगे, ये जो लग रहा है ना आपका पर्सन जो है इस जगह को, ये जो स्टकनेस सोसाइटी फैमिली, ये स्टकनेस को आप क्रॉस करके वो आपकी तरफ आने वाले हैं, ये एनर्जी है फिलहाल, वो आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको बहुत मिस कर रहा है, सोल वाइज फिजिकली सब में मिस कर रहा है। लवर्स कार्ड आ रहा है, डिवाइनली गाइडेड ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एक कनेक्शन में आप दोनों हो, वो आपको आके प्रॉपरली कमिटमेंट देना चाहता है प्रॉपरली। ठीक है, ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, ये जो स्टकनेस फैमिली ये वो सोसाइटी, ये स्टकनेस से निकालने के लिए वो रेडी हो रहा है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा स्टकनेस है और भी इनर वर्क चाहिए, आप प्रॉपर वे में इनर वर्क कीजिए। ट्विन फ्लेम की क्या है एक्चुअली, कोचिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इनर वर्क तो आप कर सकते हो, एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाँ मैं तो ट्विन फ्लेम का काम कर रही हूँ मैडम, मैं चक्रा बैलेंसिंग भी करती हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, ये करती हूँ, पूजा करती हूँ, ये ट्विन फ्लेम कोचिंग को आई, ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर आप ना जाने कैसे होता है, कौन सा हार्ट्स पे जाके कैसे आपका अंदर का जो नेगेटिव साइड है शेडो साइड है उसके ऊपर काम करना, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है, तभी हार्मोनियस रियूनियन आप जो ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हो होता है। तो ये एनर्जी ये पाइल टू में मुझे दिख रहा है, और मैं तो बोला ही वो ऑलवेज डे ड्रीम देख रहा है, आपको मिस कर रहा है काफी, आपको अब बैलेंस हो चुके हैं और भी चाहिए आपको। पेज ऑफ वांड्स आपसे छोटा है, जो आपका ट्विन है वो जो मैस्कुलाइन है वो आपसे उम्र में छोटा है, एंड आपको प्यार तो बहुत करता है, मगर एक अभी भी स्टार्कनेस, मैंने बोला ना और भी थोड़ा करना है, अभी भी एक स्टार्कनेस है मगर प्यार बहुत करते हैं। देखिए एक रेड रोप देखे जैसे बाधा है, प्यार का कुछ कमी नहीं है, एबंडेंस का कुछ कमी नहीं है, मगर एक रोप से बाधा हुआ है। फिलहाल वो थोड़ा मॉनिटरी प्रॉब्लम में भी है, आपका जो पर्सन है थोड़ा सा मॉनिटरी प्रॉब्लम में भी फंसा हुआ है आपका पर्सन, ये एक एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आपकी पर्सन के लिए। एनी हाउ ये आप प्रॉपर वे में अगर इनर वर्क कीजिए तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दिल से प्यार से सच में हार्ट चक्रा से वो आपके पास आना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत सोच लिया, बहुत भाग लिया, अभी वो एक बैलेंस पोजीशन में आना चाहते हैं आपका जो पर्सन है। इस जगह में वो पुराना रिश्ते को तोड़ के भी आपके पास आने के लिए या बैलेंस बना के आपके पास आने के लिए राजी है।
ठीक है, वो अभी पूरा कंफ्यूजन से निकाल के आ गया है, वो आपकी तरफ आने वाले है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत मैच्योरिटी के साथ आना, सोच समझ के, ठीक है। जो वो सोच समझ के, देखिए किंग ऑफ कप्स एनर्जी तो डिवाइन मैस्कुलिन का कहीं ना कहीं होता ही है, प्यार फीलिंग 24/7 आप घूम रहे हो उनके दिमाग में, ठीक है, ये तो होगा। मगर वो भागने का कोशिश, अभी वो ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, इससे क्रॉस करके भी आपकी तरफ आने का स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी मुझे सिंपली दिख रहा है। ये थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, इनर वर्क कीजिए। कोचिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए बोलती हूँ कि आप जाने, जानने को जानो, कोई दरकार नहीं है कोचिंग का। अगर प्रॉपरली जानिए, जानने की रिसर्च वर्क कीजिए, प्रॉपरली जानिए, जानने के बाद काम कीजिए। अगर ना हो तो देन दिस इज द शॉर्टकट वे, ठीक है। मगर ये जानने में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इनर वर्क करना है, ठीक है। आपको लगेगा मैडम हीलिंग कर दीजिए मेरा हो जाएगा, नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी इतना इजी नहीं है। हीलिंग पार्शियली बहुत सपोर्ट कर देगा बैलेंस करने में, ये करने में। शैडो साइड के ऊपर काम आपको करना है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जो जो मेडिटेशन आपको करना है उसके लिए भी आपको ये जो चीज को डिटेल जानना जरूरी है, ठीक है। देखते हैं साई बाबा का मैसेज क्या है आपकी तरफ। साई बाबा का मैसेज है, आप अकेले नहीं हो, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। देखो गॉड ऑलवेज हम लोगों के साथ होता है, 100% ऑलवेज हम लोगों के साथ होता है, ये तो है ही। और ऊपर से आप डिवाइन एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यहाँ पे गॉड ऑलवेज हेल्पिंग यू। आपको लगेगा गॉड मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं इतना कुछ करने के बाद भी गॉड तो मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, इतना पेन और नहीं और सहन नहीं होता, ये आपका टेस्ट चल रहा है। गॉड आपका जो चाहिए आपको जरूर देंगे, आप टेस्ट कवर कीजिए। ऐसे ही फर्स्ट रैंक नहीं आता, उसको पढ़ाई करके, तकलीफ करके, मेहनत करके उस जगह क्रॉस करो, तभी आपको फर्स्ट का जो प्राइज वो मिलने वाला है। यहाँ पे भी सेम, गॉड इज ऑलवेज सपोर्टिंग यू, आप अपना काम करो, ठीक है ना। आप अकेले नहीं हो, साईं बाबा का जो मैसेज है, डिवाइन विथ यू ऑलवेज, ठीक है। ये था पाइल वन का, पाइल टू का रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है मेरे साथ, ट्विन फ्लेम मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करना है मेरे साथ, एंड हीलिंग चाहिए, रेकी हीलिंग काउंसिलिंग टू टैरो रीडिंग सीखना है, मेडिटेशन कोर्स करना है मेरे साथ, देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट विथ मी। मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप प्लीज़ उसमें कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, एंड मैं आपको रीडिंग ज़रूर कर दूंगी। रीडिंग हो, कोई भी सर्विस हो, 100% आई विल सपोर्ट यू। एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट के जरिए आप लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट होते रहते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, तो न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू। पाइल थ्री, पाइल थ्री मतलब जिन लोगों ने ये इसी कार्ड पसंद किए थे, मैजिक मैनिफेस्टेशन, ओके, मैजिक मैनिफेस्टेशन ये कार्ड पसंद किए थे, उनके लिए आपका रीडिंग, पाइल थ्री के लिए आपका रीडिंग, पाइल थ्री। एंड आफ्टर दैट साई बाबा का क्या मैसेज है आपकी तरफ, वो श्योरली बताएंगे पाइल थ्री के लिए। पाइल थ्री का रीडिंग, पाइल थ्री मतलब जी आज का जो टॉपिक है, आप जिनके बारे में कॉन्टिन्यूअसली सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। पाइल थ्री, पाइल थ्री का कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ कप्स, डिप्रेस्ड, टू ऑफ वांड्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, द हर्मेट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वांड्स, ओके। ये है आपका जो कार्ड है पाइल थ्री का, ये है आपका कार्ड, ओके। तो यहाँ का जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन। दैट मीन्स आप लोग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पिसियस एरिस लियो सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इसके अंदर आप और आपका पर्सन जो है वो होंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है पाइल थ्री का, देखिए डिप्रेस्ड एनर्जी, कंफ्यूशन, फैमिली, ये सब तो यहाँ पे भरपूर है, वही सेम एनर्जी। फैमिली प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फैमिली प्रॉब्लम है, मैरिज के लिए भी हो सकता है, मैरिड पर्सन दोनों की दोनों,
हो सकता है रिलीजियन डिफरेंट, हो सकता है कल्चर डिफरेंट, सो मेनी थिंग यहाँ पे हो सकता है, कास्ट प्रॉब्लम, बहुत कुछ हो सकता है। 2020 में भी हम लोग कास्ट और रिलीजियन लेके सोचते हैं। तो इस जगह में खड़े होके मैं ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वी आर स्टैंडिंग इन 2020 रियली? तो एनी हाउ ये जगह में हम लोग खड़े हैं जो प्लाई 3 का जो पर्सन है। तो यहाँ पे अगर मैरिड रिलेशनशिप है, हाँ हो सकता है कोई कन्फ्यूजन की जगह, ड्यूटी एंड लव के अंदर एक फाइट, एक कॉन्फ्लिक्ट चलना, ये कॉन्फ्यूज एनर्जी है, टोटली प्रॉब्लम है यहाँ पे, टोटली प्रॉब्लम है, ये एनर्जी है। तो मैं जो देख रही हूँ काफी 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 डिप्रेस्ड एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स मतलब डिप्रेशन, उनको मालूम है आप ही उनके लिए जिंदगी में सब कुछ हो, फिर भी वो आपको छोड़ के जैसे देखिए पहाड़ की तरफ जा रहा है, मतलब वो कोई मतलब अच्छा कोई प्लेस में नहीं जा रहा है, जैसे वहां पे बहुत ही स्ट्रगल है, ऐसा एक जगह पे जा रहा है आपके पर्सन। यहाँ पे कप्स है, आप हो, प्यार हो, फिर भी वो स्ट्रगल करने के लिए रेडी है। एंड 2 ऑफ वांड्स, जगलिंग चल रहा है इनकी मन में, चल रहा है किसके तरफ जाओ, फैमिली एंड यू, मैरिड हो तो वाइफ एंड यू। ये एक जगह में वो खड़े हैं। मगर 2 ऑफ वांड्स ये भी बोलते हैं कि ऑलवेज जो राय होगा, जो उनका डिसीजन होगा आपकी तरफ होगा, ठीक है? ये एक अभी स्टेगनेंट एनर्जी में है, काफी ब्लॉकेज, काफी स्टेगनेंट एनर्जी में है, मगर यहाँ से वो निकाल के आ जाएंगे अगर प्रॉपरली आप इनके ऊपर इनर वर्क करो तो, ठीक है? तो 2 ऑफ वांड्स जगह में वो खड़े हैं, वो सोच रहा है क्या किया जाए। एंड इनके लिए ना मुझे एक स्ट्रोंग चीज लग रहा है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है बीबी बच्चे छोड़ के भी, फैमिली, ग्रेटर फैमिली, मामा चाचा नाना दादा, मैं हर इसमें ये बहुत आता है, मतलब ये लेके इंसान सोचते बहुत है, ठीक है? ये एक जगह में है, वो बहुत सारा चीज लेके सोचते हैं। तो ये एक एनर्जी इनके बहुत दिख रहा है कि वो ग्रेटर फैमिली क्या बोलेगा, क्या होगा। मैंने बोला ना रिलीजियन, कास्ट, ये वो, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी वो सोचते हैं कि क्या करे ना करे। ये एक जगह में आपकी पर्सन है, कोई ना कोई कारण होगा पाइल 3 का, ठीक है? वो सोच रहा है कि फैमिली नहीं मानेगा, कोई बुजुर्ग पर्सन वो नहीं मानेंगे, ये एक एनर्जी आपकी पर्सन के लिए स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद आता है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ईगो तो बहुत है आपकी पर्सन के अंदर, एक्सट्रीम ईगो लेके चलते हैं आपकी पर्सन। एंड अभी वो फाइट करने के लिए भी रेडी है सिचुएशन में, मगर फिर भी मोड़ के देख रहा है कि फाइट करने सही होगा सिचुएशन पे, है क्योंकि फैमिली देखिए पूरा एकदम आंसर इज क्लियर, ठीक है? डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फैमिली, ये सब है। फाइट करने के लिए, प्यार के लिए रेडी है, मगर कंफ्यूजन भी है, ईगो है, और थोड़ा सा हाई हेलो फ्लर्टिंग करने का भी ये पर्सन का आदत है। हो सकता है डिप्रेशन हटाने के लिए करते हैं, ये भी हो सकता है डिप्रेशन हटाने के लिए पर्सन कभी कभी ऐसा फ्लर्टिंग करने का एक टेंडेंसी इनके अंदर है, मगर वो आपको प्यार करते हैं, नो डाउट आपको ही प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हुए हैं। प्यार करना, एक फ्रूटफुल ने सोचना इस रिलेशनशिप को, इस जगह में खड़े हैं, ठीक है? एक्सट्रीम टेंशन में बहुत लोग हैं, ये इम्बैलेंस ही का ये है, कॉज है एक्सट्रीम टेंशन में ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन कोई मतलब कोई भी जगह में वो थोड़ा सा हाय हेलो कैसे हो, हाँ बहुत अच्छा डीपी है, ये सब कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको लगता है कि बाबा मुझे टेंशन से मुक्ति, इधर उधर टेंशन मुझसे होगा नहीं। ये एक एनर्जी इनका पर्सन का है, ईगो भी है, नरम होकर सामने नहीं आएगा, हाँ ये एक एनर्जी है, ऊपर से इतना टेंशन। तो ये एक एनर्जी आपके पर्सन का है, मगर आपको प्यार बहुत करते हैं एंड एक फ्रूटफुलनेस भी चाहते हैं। वो बहुत ही सोशल मीडिया में आपको स्टॉक कर रहा है, आप कब ऑनलाइन हो कब ऑफलाइन हो, अगर ब्लॉक किया है तो दूसरा जगह से कर तो रहा है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम आपको सोशल मीडिया में एंड ऑल में बहुत बहुत, नहीं तो दोस्तों के जरिए बहुत स्टॉक कर रहा है, क्या कर रहा है ये पर्सन, मुझसे जुदा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उनको भी तो टेंशन है ना, ये जो जगह वो आ भी नहीं पा रहा है, जा भी नहीं पा रहा है, ऐसा एक कन्फ्यूजन कन्फ्यूजिंग जगह में आपके पर्सन खड़े हैं एंड बहुत स्टॉक कर रहा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड इज शोइंग अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन,
ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। ये जो पुराना स्टेगनेंटनेस, डर, इनका जो सोसाइटी की डर, फैमिली की डर, जो कुछ भी डर या सोच रहा है, ईगो, ये सब से, ईगो ये सब से निकाल के वो एक न्यू साइकिल की तरफ आने वाले है। आपकी जो पर्सन है श्योरली आने वाले है। एंड द हार्मिट कार्ड ऑल्सो शोइंग कोई भी स्टेगनेंटनेस है वो फाइट कर लेंगे एंड न्यू बिगिनिंग की तरफ। देखिए हाथ पे एक लैम्प हर्मिट का, वो न्यू बिगिनिंग की तरफ आने वाले हैं, ठीक है। पहले तो मैं बोल ही दिया, बहुत प्यार करते हैं आपसे, फ्रूटफुलनेस चाहते हैं आपसे, एंड नाइट ऑफ वांड्स, एंड ऑफ द डे इतना कुछ सोच के, फाइट करके, सब कुछ करके, अगर आप नेगेटिविटी से हटाइए, ब्लॉकेज क्लियर कीजिए इस रिलेशनशिप का, प्रॉपरली वो आपकी तरफ आएंगे, देयर इज नो कन्फ्यूजन। वो प्रॉपरली आएंगे, प्रॉपरली आपकी तरफ आके कॉमिटमेंट जो बोलते हैं, कॉमिटमेंट देना, वो 100% देंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे पाइल थ्री का दिखाई दे रहा है। देखते साईं बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। अच्छा, दिव्य समय, परेशान ना हो, देखिए कितना अच्छा मैसेज, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। जो डिवाइन आपके लिए सोच के रखा है ना, वो आपकी तरफ आएगा, वो आपके ही आएगा। हो सकता है कोई टेस्ट चल रहा है आपके ऊपर, कोई ना कोई टेस्ट चल रहा है आपके ऊपर, वो जरूर आपके पास आएंगे। और आप प्लीज इस एग्जाम को क्रॉस कीजिए, टेस्ट, यूनिवर्स का जो टेस्ट है, इस टेस्ट को आप प्लीज क्रॉस कीजिए। नेगेटिविटी मत रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं बोल रही हूँ, साईं बाबा का भी मैसेज वही है, मेरा भी इंट्यूटिव जो मैसेज आ रहा है वही है, 100% आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा अगर आप पॉजिटिव हो जाओ तो, ठीक है। तो ये था पाइल थ्री का रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है मेरे साथ, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, रेकी हीलिंग, काउंसिलिंग एंड टैरो रीडिंग सीखना है, मेडिटेशन कोर्स करना है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी। आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है नीचे, उसमें व्हाट्सअप नंबर है, उसमें व्हाट्सअप कीजिए, 100% आई विल सपोर्ट यू। कॉमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कॉमेंट के जरिए मुझे एक एक न्यू न्यू जो एनर्जीज है वो मुझे आइडिया होता है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिए, एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, तो न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।